अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड वी इज इक्वल टू 5 एंड आर इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू हमें दी हुई है के को फाइंड करने के लिए और आर को फाइंड करने के लिए वी की वैल्यू दी हुई है। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसे हटाएंगे तो हम के एक्स लगाएंगे, के आर क्यूब। हमने फाइंड क्या करना है, के तो वी ओवर आर की पावर 3। वी की वैल्यू हमारे पास 5 है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। फाइव ओवर 27, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 27। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ये है हमारे पास के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2। ये फिर हमारे पास के की वैल्यू है, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया इसे 1 का। अब हमने फाइंड क्या करना है, आर को फाइंड करना है और वी की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, 625। ये इक्वेशन लिखेंगे, फिर टेक इक्वेशन नंबर 2, वी इज इक्वल टू 1 के आर क्यूब। हमने आर को फाइंड करना है तो पहले आर लिखें, वी ओवर के। वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 625 और के की वैल्यू 5/27। जब तकसीम की इलामत को चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएंगे, 5/27 है तो 27/5 आ जाएगा। अब 625 को हम लिख सकते हैं 125 × 6 = 625। ये दोनों इक्वल है, 5 को मल्टीप्लाई करें 125 से तो 625 आ जाएगा, तो 625 की जगह हम ये रकम लिखेंगे, 5 × 125 × 27/5। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाए, ये हमने इसलिए लिखा है कि 5 से कैंसिल हो जाए। जबकि हम उस तरह से कैंसिल कर सकते थे लेकिन ये आसान मेथड है, 125 × 27/r³। ये अब आर क्यूब, ये 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 × 5 × 5 क्या आएगा, 125। अब 125 के बराबर है तो हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 3 × 3 × 3। साइज को भी इस तरह लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 3, इनके 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 3 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। अब इनके क्या है, पावर क्या है, सेम है, 5 × 3 = 3, तो एक ही लिखेंगे। और ये क्या है हमारे पास, आर क्यूब, 5 × 15 क्या है, 5 × 15 r³³। अब हमने क्या लेना है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ से जहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ नीचे नजर नहीं आएगा, टेकिंग क्यूब रूट on both side, okay, x is the rest of it, ताकि ये mix ना हो जाए, r³³ = 15, एक cube root ले लें, इसे multiply by 1/3, तो 15, इसे multiply by 1/3, ये 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, r = 15, ये आंसर है हमारा।